हेलो व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हां दोस्तों, अगर आप सीए करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इन इंडिया, देन आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन के लिए द फर्स्ट लेवल यू नीड टू डू रजिस्ट्रेशन। और ये रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो अगर आपको सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करना है और ये जानना चाहते हो कि कैसे किया जाता है सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन, सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोस्त हू नीड, बिकॉज़ गलती करके उसे सुधारना बहुत मुश्किल होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। The Institute of Chartered Accountants of India was earlier doing registrations manually also, as well as on their websites also. Under the old registration procedure, the student was supposed to do some formalities on the institute website, that is www.icai.org, और फिर registration करने के बाद और payment करने के बाद कुछ printouts निकालने होते थे जिसे attest करना होता था और फिर CA branch में institute में जाके submit करना होता था। लेकिन हमारी institute अब join कर रही है, they are joining the bandwagon of the paperless work, they are going paperless, they are doing IT initiatives, and under this IT initiatives the Institute of Chartered Accountants of India has collaborated with Tata Consultancy Services, that is TCS, and they have started working on a new project known as Students Service Portal, that is SSP, or Members Service Portal, that is MSP. And this initiative was started by Institute in April 2019. My dear friends, now the entire registration procedure is paperless. कहीं पे भी कोई भी तरीके का documentation, printout, कोई भी चीज involved नहीं है। ये पूरा registration करने से पहले आपको कुछ चीजें handy रखनी होती हैं। दोस्तों इसी वीडियो में, हाँ आज के इस वीडियो में हम एक यहाँ पे प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसे देखेंगे, समझेंगे और पूरा वॉक थ्रू करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि रजिस्ट्रेशन किया कैसे जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम रजिस्ट्रेशन करें, मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आप अपने पास हैंडी रखें, अपने पास में रखें, साथ में रखें, और ये कुछ चीज़ें आप जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट है ये। सो सबसे पहली चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है आपकी 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट। The first thing that you need is your 10th standard marksheet. Second thing what you need is your either if you are doing registration after giving 12th exams, लेकिन अभी तक आप exam pass नहीं हुए हैं, so उसे कहते हैं provisional registration. So if you have just given 12th exam और result नहीं आया है, तो आपको चाहिए second number पे 12th standard का hall ticket और admit card. अगर आपके पास हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप 12th पास हो चुके हो, मतलब इफ यू आर डूइंग रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स आफ्टर पासिंग योर 12th स्टैंडर्ड, देन यू नीड टू हैव 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट विद यू। प्लीज अंडरस्टैंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नीड टू स्कैन दोज डॉक्यूमेंट्स, आइदर यू कैन स्कैन इट एज अ जेपैग इमेज और एज अ पीडीएफ इमेज, बट जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, द फाइल साइज ऑफ ऑल द इमेजेस, स्कैंड इमेजेस शुड बी लेस देन 1 MB। सो आप जो भी ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबको आपको स्कैन करना है, और ये स्कैन आप जेपैग में कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं, इन द फाइल साइज लेस देन 1 MB। यहाँ पे आपको 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट के अलावा तीसरी चीज जो चाहिए वो है आपके एक फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, इट शुड बी दिस मच लेंथ, बोथ द ईयर्स विजिबल, एंड अगेन नो मॉडलिंग फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड। द फोर्थ थिंग व्हाट यू नीड ओवर हियर इज योर स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर। सो आपको लेना है बोथ साइड ब्लैंक पेज, जो रूल ना हो उस पेज पे आपको थोड़े थिक पेन से, प्रेफरेबली ब्लू कलर के पेन से सिग्नेचर करना है, और उस सिग्नेचर किए हुए पेपर को आपको फ्लैट सर्फेस पे रख के उसे स्कैन करना है। The fifth document is optional because there is no mandatory mark on the ICI website, and that is your living certificate. Living certificate, दोस्तों आपका 10th pass out वाला हो सकता है या 12th pass out वाला हो सकता है, absolutely no problem. Living certificate अगर original है तो उसको scan कीजिए, if it's not available original then you should scan the attested copy, but again as I told you it is an optional document, absolutely optional document, no problem. ये सारे documents आपको चाहिए before you sit to do registrations.
सो आप रजिस्ट्रेशन जब भी कर रहे हैं तो एक फोल्डर बनाइए, फोल्डर में ये सारे डॉक्यूमेंट सेव कीजिए और फिर ही आप लाइव रजिस्ट्रेशन करने बैठिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो है पेमेंट डिटेल्स। द रजिस्ट्रेशन फीस इज 9,200 प्लस दो स्टूडेंट्स हु वांट टू सब्सक्राइब फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जर्नल हैव टू पे एडिशनल 200। दैट मींस द टोटल रजिस्ट्रेशन फीस कम्स आउट टू 9,400। सो दिस पेमेंट हैज टू बी मेड ओनली यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग। नाउ हियर वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई, बिकॉज आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स, दैट प्लीज डोंट यूज रुपे कार्ड्स, प्लीज डोंट यूज अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स। ट्राई टू कीप द कार्ड्स लाइक मास्टर कार्ड, द मास्टर कार्ड और द वीजा कार्ड और द इंटरनेट बैंकिंग इज best option available. So whether it is 9,200 or 9,400, this payment you need to make using the internet banking or the debit or credit card. And before you sit to do registration, when you are making payment, please ensure that you do have all the passwords with you which is required to be make the payment. So my dear friends, ek kaam karte hain, टेक्निकली इसे हमने थ्योरेटिकली यहाँ समझ लिया है, अब हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं और आइए देखते हैं कि CA फाउंडेशन का न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि CA कोर्स में अब सारा रजिस्ट्रेशन पेपरलेस हो गया है और ऑनलाइन हो गया है, तो आपको अपने ब्राउजर में जाना है और CA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विजिट करना है, दैट इज www.icai.org। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, आपको होम पेज पे यहाँ पे एक स्टूडेंट्स टैब दिखाई देगा एंड आपने देखा है जैसे ही मैंने अपना कर्सर उस टैब पे लिया, आई गेट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है। वेदर द स्टूडेंट इज डूइंग रजिस्ट्रेशन फॉर CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट, उसे इसी तरीके से इस पेज पे आके लैंड होना है। और जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ दो ऑप्शंस देखेंगे, वेदर यू वांट टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर CA फाउंडेशन और यू वांट टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर CA इंटरमीडिएट कोर्स। सो क्योंकि अभी हम यहाँ फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर समझ रहे हैं, सो मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ जो मुझे रीडायरेक्ट करता है दूसरे पेज पे। माई डियर फ्रेंड्स, ये है लॉगिन या रजिस्टर पेज। सो फर्स्ट टाइम यूजर्स, दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू एंड वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने होंगे। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको यूजर आई डी पासवर्ड दिया जाएगा जिसे यूज करके आप यहाँ लॉग इन कर सकते हैं। सो क्योंकि हम नए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सो आई यूज दिस लिंक, क्लिक हियर। ये लिंक यूज करते ही आपको सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपने पर्सनल पर्टिकुलर्स फिल करने हैं। सो मैं यहाँ एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, उसके पर्सनल पर्टिकुलर्स यहाँ फिल करता हूँ। उसका फर्स्ट नेम मुझे यहाँ एंटर करना है, मिडिल नेम यहाँ एंटर करना है और सरनेम मुझे एंटर करना है। आई हैव टू सेलेक्ट इट्स जेंडर एंड मुझे यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। सो आप यहाँ इस तरीके से ईयर्स में भी चेंज कर सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। सो अभी मैं जो पर्टिकुलर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, ही वॉज बॉर्न इन 2001 जून 14। मुझे यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस एंटर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट आपको बाद में कॉशन नोटिस देगा कि प्लीज़ यूज द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विच यू कैन एक्सेस फ्रिक्वेंटली, चेक प्रॉपरली, बिकॉज ऑल द इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग OTP विल बी सेंट ऑन दीज क्रेडेंशियल्स। मैं यहाँ पे एक दूसरा मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ जो स्टूडेंट के पास अभी है। आधार नंबर, यू कैन सी देर इज नो रेड स्टार मार्क लाइक दिस, दैट मीन्स इट्स एन ऑप्शनल फील्ड। नेशनैलिटी मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इंडिया, कंट्री इंडिया, सो नेशनैलिटी विल ऑटोमेटिकली कम एज इंडियन एंड देन आई क्लिक जनरेट OTP। जैसे ही मैं ये लिंक को क्लिक करता हूँ, आई एम रीडायरेक्टेड ऑन अनदर पेज जहाँ एक कैप्चा इमेज जनरेट हुई है मेरे सामने। मुझे इन डिजिट्स को प्रॉपरली एज इट इज एंटर करना है इस बॉक्स में और क्लिक करना है सबमिट। जैसे ही मैं ये सबमिट क्लिक करता हूँ, मुझे एक OTP आता है मेरे मोबाइल फ़ोन पे। ये 6 डिजिट्स का एक न्यूमेरिक कोड होगा जिसे आपको यहाँ इस बॉक्स में एंटर करना है और एंटर करने के बाद यू हैव टू क्लिक वैलिडेट OTP। आपको कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि OTP इज़ वैलिडेटेड सक्सेसफुली, नाउ यू हैव टू एग्री, चेक दिस बॉक्स एंड क्लिक सबमिट। द इंस्टीट्यूट इज़ रीकन्फर्मिंग कि क्या आपने सारे डिटेल्स सही तरीके से एंटर किए हैं, क्योंकि अगर अभी भी कोई मिस्टेक है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार आप ये फॉर्म सबमिट कर देते हो फिर आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने कहा इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड आई प्रोसीड अहेड। जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ, आप देख रहे हैं कि एक
डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर हो रहा है। इस डैशबोर्ड में आपका नाम यहाँ लिखा आ रहा है। सो मैं यहाँ नाम रिकन्फर्म कर रहा हूँ, सत्यम प्रकाश मोहिते। ओके, और अब आपको यहाँ इस ऑप्शन को क्लिक करना है, दैट इज स्टूडेंट साइकिल। स्टूडेंट साइकिल में क्लिक करने के बाद आपको ये बटन को क्लिक करना है, दैट इज अप्लाई फॉर फाउंडेशन। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करते हैं, आपके पर्सनल पर्टिकुलर्स वाला पेज वापस से ओपन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे कहा था इंट्रोडक्शन में कि ये एक नया सॉफ्टवेयर है, तो इसे अभी सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप भी पेशेंटली रजिस्ट्रेशन कीजिए। कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्री फिल्ड आ रही है, कुछ डिटेल्स आपको एंटर करना होगा, आप चाहें तो अभी भी चेंजेस कर सकते हैं। सो ये चेंजेस यहाँ पे ओके, आप चाहें तो मिडिल नेम सरनेम अभी भी चेंज कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस आपको एंटर करना है, फादर्स फुल नेम यहां आपको एंटर करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको यहां एंटर करना है, गार्डियंस नेम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एज यू कैन सी वेदर इट्स फादर्स नेम मदर्स नेम और गार्डियंस नेम इट इज नॉट स्टार मार्क्ड। हस्बैंड नेम एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फीमेल्स। मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी सही है, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी एंटर किया है, पैन नंबर आप देख सकते हो, आधार और पैन ये दोनों ही ऑप्शनल फील्ड्स है, पासपोर्ट फील्ड ऑप्शनल है, आर यू डिफरेंटली एबल्ड, इफ यू आर यस सेलेक्ट यस, इफ यू आर नो सेलेक्ट नो, डिफॉल्ट इज नो, आर यू अ स्टाफ व्हाट, क्या आप ICI के किसी स्टाफ के चिल्ड्रन हैं, अगर हाँ तो सेलेक्ट कीजिए यस, अगर ना तो सेलेक्ट कीजिए नो। ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो इट्स ओके। इफ यू आर अ फॉरेन स्टूडेंट यू नीड टू एंटर योर वीजा नंबर ओवर हियर, यू नीड टू आल्सो एंटर द ICI परमिशन नंबर हियर, एंड यू नीड टू आल्सो एंटर द एक्सपायरी पीरियड और द वीजा वैलिडिटी पीरियड। दिस सेगमेंट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस प्रॉपरली डालना है, सो प्लीज टाइप योर डिटेल एड्रेस। एड्रेस आप दो लाइंस में टाइप कर सकते हैं, और फिर आपको यहां सेलेक्ट करनी है कंट्री, कंट्री के बाद सेलेक्ट करना है स्टेट, जहां आप टाइप करेंगे अगर स्टेट के लेटर्स तो नाम आ जाएगा, और फिर आपको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट। You have to select the city in which you are registering. Branch name वो automatically लेगा, that you can't change. और उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ एंटर करना है, जो आपके एरिया का पिन कोड है। Region it will pick up automatically. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ western region आया, तो states of Maharashtra, Gujarat and Goa are covered in the western region. Is permanent address same as correspondence address? अगर answer है yes, तो मैं उसे check करता हूँ, तो आप देख रहे हैं वो pre-fill हो जाएगा। अगर answer है no, तो आप यहाँ नया address type कर सकते हैं। Category आपको select करना है कि आप किस type के category के हैं, किस type के किस category आपको यहाँ select करना है कि आप किस category से belong करते हैं। So I click general over here. Nationality हमने pre-fill किया था, annual incomes देने की कोई जरूरत नहीं है, एंड यू क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। नाउ दे आर सेइंग डेटा सेव सक्सेसफुली, और अब आप आ गए एक दूसरे पेज पर जहां पे आपको आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ तीन टैब्स है, पर्सनल, क्वालिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको मैं जैसे इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, You need to have the scanned copy of these five things with you. Your 10th standard mark sheet, your 12th standard mark sheet, your leaving certificate, your photo and your signature. So, आपको यहाँ enter करना है 10th standard का roll number. ये जो student है इसने CBSE से exam दी है और ये है उसका 10th standard का roll number जो मैं यहाँ enter करता हूँ, 4155322. आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसा मैंने कहा है ये स्टूडेंट बिलोंग करता है CBSE से। मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ टाइप करना है,
सो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज़ गिवन 2017 में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई थी। I select it. Now they are asking you to enter the marks detail. Maximum marks obtained, maximum marks, percentage it will calculate automatically. जैसे कि ये CBSE का student है, यहाँ पे CGPA award होता है. In CBSE, they don't give marks, they give cumulative grade points average, that is CGPA. So the institute has made a separate provision to enter CGPA over here. अगर आपके पास CGPA नहीं है, आप किसी और बोर्ड से हैं जहाँ पे मार्क्स है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन, आप यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स, द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द परसेंटेज। नाउ आपसे यहाँ पे कहा गया टू अपलोड योर 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, सो आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं एक ऑप्शन अवेलेबल है कि उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने ये फोल्डर बना रखा है, इस फोल्डर में 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट को मैं ड्रैग करता हूं और इस बॉक्स में लाके ड्रॉप करता हूं। जैसे ही ड्रॉप करता हूं, इट सेज दैट इट इज़ अपलोडेड सक्सेसफुली। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे बताया था और ये चीज़ फिर से याद रखिएगा, ये नोट इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ अपलोड योर मार्कशीट डिग्री ऑफ 10th मैक्सिमम इन 1 MB ओनली इन JPEG, JPG, PNG, DOC, DOCX एंड PDF फॉर्मेट्स एंड अपलोड द प्रिंटर स्कैन कॉपी ओनली। अगर ये सही अपलोड नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। सो ये पैरामीटर्स आप फिर से ध्यान में रखिएगा। क्लास 12 स्टैंडर्ड का रोल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो 12 स्टैंडर्ड की मार्कशीट से ये रोल नंबर पता चलेगा 4675443। सो वो मैं यहाँ एंटर करता हूँ 4675443, रिकन्फर्म एवरीथिंग एंड देन यू अगेन एंटर द बोर्ड फ्रॉम विच यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन। सो एंटर CBSE ओवर हियर। एग्जामिनेशन का मंथ और ईयर, जैसे स्टूडेंट ने फरवरी 2019 में एग्जामिनेशन दी थी, तो मैं यहाँ पे वो एंटर करता हूँ फरवरी मार्च 2019। द स्टेटस इज पास्ट। अगर यहाँ स्टेटस आप लिखते हैं अवेटेड, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो उससे टेक्निकली कहा जाता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अवेटेड, तो उस केस में उनको यहाँ मार्कशीट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को फिर 12th एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड और हॉल टिकट अपलोड करना होता है, और जब उनका रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीट आ जाती है, तो फिर उसके बाद उन्हें उस मार्कशीट को अपलोड करना होता है। अब यहाँ पे हमें इसके मार्क्स एंटर करना है इन 12th स्टैंडर्ड CBSE डू अवार्ड मार्क्स, और यहाँ पे इसके जो मार्क्स है दैट इज़ आउट ऑफ 500। सो टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कॉलम में मैं यहाँ एंटर करता हूँ 500। सो जैसे कि स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हो रहे हैं 422। अब आप देखिएगा, जैसे ही मैंने मार्क्स ऑब्टेंड और मैक्सिमम मार्क्स एंटर किए, सिस्टम हैज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड परसेंटेज। दे हैव अगेन आस्क्ड मी टू अपलोड द 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट ओवर हियर। सो मैं फिर से उसी फोल्डर में जाता हूँ और 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करता हूँ। फिर से वही पैरामीटर्स यहाँ दिए हैं फाइल साइज और फॉर्मेट को लेते हुए, प्लीज़ उसे ध्यान में रखिएगा। ये जो तीसरी लाइन है ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड ना करके समथिंग इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड किया है, तो उन्हें यहाँ पे वो सारे डिटेल्स एंटर करना होता है। यहाँ आप देखेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के आगे N स्टैंड फॉर नो लिखा हुआ आया। ये नो क्यों लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है पास्ट। अगर हम यहाँ लिखते थे अवेटेड तो यहाँ होता था यस। डिटेल्स ऑफ अंडर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ, सो आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एज इट इज नो प्रॉब्लम। नाउ यू हैव टू एंटर और सेलेक्ट द मीडियम ऑफ स्टडी मटेरियल दैट यू रिक्वायर्ड, सो आई सेलेक्ट इंग्लिश। अब आप जब नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ आपको पेमेंट डिटेल्स अपलोड करना है, लेकिन उससे पहले यू नीड टू अपलोड सर्टन मोर डॉक्यूमेंट्स। यू नीड टू अपलोड योर फोटोग्राफ। जब आप फोटो अपलोड करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपने एक प्रॉपर नॉर्मल पासपोर्ट फोटोग्राफ ही स्कैन किया है। वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ पोजेस और एनी टाइप ऑफ मॉडलिंग फोटोग्राफ्स ओवर हियर, सो जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट ओवर हियर। Once it's uploaded, close this window. They have asked you to upload your signature, so click to upload. Again, you go to your folder where you have saved the scan copy of your signature, drag and drop. You say close.
They have asked to upload your school or college leaving certificate, which is not compulsory over here because there is no star mark. But still, since you have it with you, it's always better to upload it. And now, all the documents are uploaded, you can see over here. Once you are done with this, the system automatically picks up the financial year, which you can't change. And then you can see over here that Indian Nationals, the registration fees is 9,200, which includes the tuition fees of 9,000 and the prospectus fees of 200. Total fees is 9,200. Now, if a student want, he can check this box, that is, he's subscribing for the student's journal. When he subscribe for the student's journal, he has to pay an additional amount of 200, which is absolutely optional. So since I have checked this box over here, the total amount payable by me is 9,400. Once I click this, I have to generate an OTP to confirm my transaction. और जैसे ही मैं OTP generate करने की link को click करता हूँ, तो ठीक पहले की ही तरह वापस एक नया page appear होता है, जहाँ पे मुझे एक image enter करना है, और वो enter करने के बाद OTP मेरे mobile पे भेजा गया है. Yes, I got the OTP और ये OTP मिलने के बाद मुझे यहाँ पे उसे enter करना है. And I have to click validate OTP. Once I click validate OTP, I get the final button of submit. और जैसे ही मैं submit करता हूँ, they are asking me to make the payment. I am redirected on ICAI payment gateway page. और इस page पे आने के बाद मुझे करना है payment. So, आप यहाँ पे payment के लिए कोई भी mode use कर सकते हैं. Paytm balance use कर सकते हैं, debit card, credit card, Bheem UPI, net banking, any of the options you can use over here from the drop down list. So मैं यहाँ payment करता हूँ using credit card. और जैसे ही मैं पेमेंट प्रोसेस करता हूँ, सारी डिटेल्स एंटर करता हूँ, पासवर्ड्स एंटर करता हूँ, ये पूरा पेमेंट हो जाता है और आपको एक कंफर्मेशन विंडो आता है दैट योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल. 9,400 पेमेंट हो गया है और मोबाइल की घंटी बज चुकी है कि बैंक से पेमेंट डिडक्ट हो चुका है. आप क्लिक करते हैं ओके एंड दैट्स ऑल. अब आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपका CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हो गया है. इसका कन्फर्मेशन है कि आपका फोटोग्राफ यहाँ अपेयर हो रहा है. स्टूडेंट साइकिल में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा. ये है आपका एप्लीकेशन नंबर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़र आईडी होता है, और पासवर्ड आपको सेपरेटली सेंड किया गया है आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे. सो दीज आर ऑल दी डिटेल्स व्हाट यू हैव एंटर्ड. एंड यहाँ से आप चाहें तो आपके मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. Everything whatever we have uploaded is appearing online. Payment date, payment details, transaction reference number, everything is appearing over here. सो गाइज, आई होप आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर समझ में आया होगा. जैसे आपने देखा है कि हमने यहाँ एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया, और ये पूरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वो फाइनल पेज पे दिख रहा है, आपका एक टेम्प्रेरी नंबर वहाँ जनरेट हुआ है. कहीं कोई प्रिंटआउट नहीं निकालना है, कहीं कोई अटेस्टेशन नहीं लेना है, कहीं कोई तरीके का सबमिशन नहीं करना है. सो वंस दिस इज डन, योर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी गेट्स ओवर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. आई विल रिप्लाई टू दोस कमेंट्स, एंड उसके बाद ही आप अपने फॉर्म सबमिट कीजिएगा. प्लीज बी रिमाइंडेड दैट दो स्टूडेंट्स हू वांट टू अपीयर फॉर CA फाउंडेशन एग्जाम इन नवंबर, देयर कट ऑफ डेट इज 30th जून. एंड दो स्टूडेंट्स हू वांट टू अपीयर फॉर CA फाउंडेशन एग्जाम इन मे, देयर कट ऑफ डेट इज 31st डिसंबर. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो. यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज फील टू आस्क मी. हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग. थैंक यू वेरी मच.